हेलो सन मून एंड राइजिंग लियोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है नवंबर 2023, और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। आपसे फुल मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। इस बार मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक के हिसाब से। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट वीक में फॉर लियोस, सेकंड वीक फॉर लियोस, थर्ड वीक फॉर लियोस एंड फोर्थ वीक फॉर लियोस। ओके, सो यहाँ पर अंडरनीथ आपके पास है मून, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। यस, मे बी यू आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बैलेंस, लाइक अपने पार्टनर के साथ आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे आफ्टर रूड, लाइक किस्म की कम्युनिकेशन आपकी तरफ आई। यस, स्टिल किसी मैसेज या कॉल का वेट कर रहे थे, वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है, कॉल और टेक्स्ट मिल सकता है, जिसके बाद आप में आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ बैलेंस हुआ है, बट स्टिल आप कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन स्टिल है, चीज़ें लाइक इतनी क्लियर नहीं है आपके सामने अभी भी, बट कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर आपको मिली है इस रिलेशनशिप में। सो चैरियट, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं फर्स्ट वीक में अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप सोलो भी ट्रैवल कर सकते हैं, अकेले भी ट्रैवल कर सकते हैं, और या फिर आप इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने की कोशिश करें, सक्सेस हासिल करने की कोशिश करें, किसी किस्म की सक्सेस भी आपको मिल सकती है, चाहे आपका काम हो या आपका रिलेशनशिप हो, किसी सिचुएशन में सक्सेस मिल सकती है आपको। बहुत से डिफरेंसेस हैं जिनको आपको ख़त्म करना है अपने पार्टनर के साथ, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग से डिफरेंसेस, उन सबको ख़त्म करना है। सो लेट्स सी, वो आप ख़त्म करने की कोशिश करें फर्स्ट वीक में, या फिर कोई ट्रैवल भी आ सकता है आपका और आपके पार्टनर का, शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। व्हाट इज दिस चैरियट हियर, लेट्स सी कि यहाँ पे चैरियट का कार्ड क्यों है फॉर लियोस। या तो कोई पर्सन आपसे मिलने आ सकता है, आप किसी से मिलने जा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर हो, कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है जो ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, या आप किसी के पास जा सकते हैं ट्रैवल करके। अगेन से यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रही है आपके पास, सक्सेस मिल रही है आपको किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में, लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, और ट्रैवलिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। जैसे कोई पार्टनर है जो आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो सकता है, आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, या आप खुद हैं जो अपनी लाइफ में स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए डिटरमाइंड है बहुत ज़्यादा कि अपनी लाइफ को आपको कैसे आगे बढ़ाना है, सक्सेसफुल कैसे करना है। बहुत रैपिडली आपकी सिचुएशन जो है वो अब आगे जा रही है, तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये सेकेंड वीक में आप थोड़े से आइसोलेटेड हो सकते हैं, क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं, मींस कि आपको टाइम चाहिए किसी डिसीजन पे पहुंचने का, और हर तरह से आप चीज़ों पे रोशनी डाल के उसको उस हवाले से सोच के और फैसला करना चाहते हैं। इसके अलावा कि आपकी इलाइटमेंट हो रही है, अगर आपने अपने आप को आइसोलेट किया होता, किसी कोई आंसर्स चाहिए थे आपको डिवाइन की तरफ से, तो उनको आंसर्स आपको मिल जाएंगे सेकेंड वीक में। लेट्स सी कि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड क्यों है, व्हाई देयर इज हर्मिट कार्ड हियर। हर्मिट, सो या किसी सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग के हवाले से आपको कोई डिसीजन लेना है, और आप उस वो न्यू बिगिनिंग आप करने के हवाले से एक वाइज डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई फैसला करेंगे किसी नई शुरुआत को करने का। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क हो सकता है जिस पे आप काम करें, या फिर अपने पार्टनर के साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी। थर्ड वीक में आपके पास है हाई प्रीस्टेस, तो आपकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी है, कुछ चीज़ें हाइड हैं, लेकिन आप किसी इंट्यूटिव पार्टनर से मदद ले रहे हैं अपने लिए, या फिर किसी इंट्यूटिव पर्सन से मदद ले रहे हैं, या फिर कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और या आप खुद से कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जो लोगों की हेल्प भी कर सकता है। इसके अलावा आपको अपने ड्रीम्स पर बहुत ज़्यादा अटेंशन करनी चाहिए,
यस, नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर, तो मीन्स कि आपके जो है ना अपने ड्रीम्स से अटेंशन करें। मुझे लगता है कि ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिल सकता है, लेकिन आपकी थोड़ी सी वरीज आपके माइंड में आ सकती हैं इस पर्सन के हवाले से, थोड़ी सी स्लीपलेस नाइट मिल सकती हैं आपको। मून कार्ड अगेन, हर्मिट, हर्मिट कार्ड अगेन यहाँ पर आ गया, तो फर्स्ट और सेकंड वीक में एक जैसी हर्मिट एनर्जी आपकी रह सकती है। इमोशनल लॉस भी आपको फील हो सकता है, जिसकी वजह से एंजाइटी स्ट्रेस से आप, अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में और आइसोलेशन में थे पास्ट में, तो वो एंजाइटी स्ट्रेस जो है वो आपको ख़त्म करना है, या फिर अपनी कितने आप अंदर से वरी हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हों थर्ड वीक में और आप इसको छुपा रहे हों लोगों से, और मेडिटेशन करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। तो ये हैवी एनर्जी है सेकेंड और थर्ड वीक में, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का आप शिकार हो सकते हैं अपने लव लाइफ के हवाले से या किसी भी सिचुएशन के हवाले से। यस, फोर्थ वीक में भी आप थोड़े से मेंटल पीस में आ सकते हैं, जो कि फर्स्ट और सेकेंड वीक सेकेंड और थर्ड वीक में आपको इतना मेंटल पीस नहीं मिला था या बहुत ज़्यादा वरिड थे, तो थर्ड वीक में आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा, आपके पीस ऑफ माइंड में आ जाएंगे आप, और आप सोच समझ के कोई डिसीजन, अभी भी डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है उस पर्सन के साथ, डिसीजन लेना है बट डिसीजन ले नहीं पा रहे आप। ओके, या इनडिसीजन, इनडिसाइसिव हैं किसी हवाले से, कोई फैसला करना है आपको, कन्फ्यूजन बहुत है, और डिवाइन से आप प्रे कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से हेल्प ले रहे हैं, डिवाइन से हेल्प ले रहे हैं कि कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाए, लेकिन वो रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा। एंड ऑफ द वीक में भी, लाइक इस मंथ के आखिरी हफ्ते तक आप कन्फ्यूजन का ही शिकार रहेंगे, लेकिन जस्ट फर्स्ट वीक थोड़ा सा आपका बेहतर है, बहुत अच्छा है, बल्कि जो बाकी मंथ है उसमें से फर्स्ट वीक आपका बहुत अच्छा है, सो उसमें आप इन्जॉय कर सकते हैं। अदरवाइज आपका बाकी वीक जो बाकी मंथ है वो इनडिसीजन में, वरीज, एंजाइटी में गुजर सकता है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, एडवाइजेस क्या हैं फॉर लियोस, लियोस के लिए एडवाइजेस क्या हैं यहाँ पर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, व्हाट आर एडवाइजेस फॉर लियोस। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो यस, फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं आप उस पर्सन के लिए, यस पैशनेट फील कर सकते हैं, पैशन इग्नाइट हो सकता है फर्स्ट वीक में। ओके, सो अपने पैशन को दबाने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, एडिक्शंस, किसी किस्म की कोई एडिक्शन है यहाँ पर आपको, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं या आपके पार्टनर किसी अपनी फैमिली पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, सो ये हो सकता है ये एडिक्शन आपकी लाइफ को अफेक्ट करिए किसी किस्म की, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और वरी आप हो रहे हैं, तो ये भी आपके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी हो रही है इस मंथ में, तो यही इसको कहा जा रहा है कि ये एडिक्शन आपको हो गई है ओवर थिंकिंग करने की, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ सही से फैसला नहीं कर पा रहे अपनी लव लाइफ के हवाले से, तो इससे अफेक्ट हो रही है आपकी लव लाइफ, ये आपको बताया जा रहा है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, आपको कहा जा रहा है कि आप लव डिज़र्व करते हैं, अगर आपके पास लव आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें। सो या लेट्स सी के यहाँ पर आपके लिए मोनोलॉजी से क्या मैसेजेस आते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो आपके पास से अपने पास से अपने आप को स्टक ना करें, पास में अगर बैड मेमोरीज थी उनसे बाहर निकल जाएं, अगर पास में अगर किसी पर्सन के साथ आप पास के किसी पर्सन से आप निकलना चाहते हैं उससे निकलें और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करें, चाहे आपको अकेले करनी पड़े या फिर आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ करनी पड़े तो वो आप करें। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग,
तो यहाँ पर आपके लिए एक नया स्टार्ट आने वाला है जिसके लिए आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। यू डिज़र्व लव, यस, कोई नया लव अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें। न्यू स्टार्ट, यू डिज़र्व लव, तो एक्सेप्ट करें न्यू लव को, क्योंकि यू डिज़र्व लव, आप लव के काबिल हैं, आप डिज़र्व करते हैं, आपको मिलना चाहिए। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।